Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit the apply button. And then they hope they get a call for an interview. अपराध किती झाले पण आता शरण तुला आई कुशीत तुझा घडलो स्वार्थाचे तट बांधत सुटलो अनवैरी तुझे ठरलो सालबुनी वैराचे नांगर नासबली माती छिन्न तुझ्या देहाची ही चाळण उरली आता हाती शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची हा पृथ्वी मोलाची हाय पृथ्वी मोलाची मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा भी कुणाची झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला हा झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला अर काट कुट वाट मंदी पोचती त्याला रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती
कशाची परवा भी कुणाची मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची पृथ्वी मोलाची आ पृथ्वी मोलाची मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला रगड्या कशाची परवा भी कुणाची साल पढ़ते हैं हम जेईई के एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद भी जब पहला अटेम्प्ट आया तो लाखों बच्चे निराश हो गए कि उतना अच्छा अटेम्प्ट हो नहीं पाया।
झाल्याची पुण्याई उभी तुझ्या माग जरा निगुतीन वाहगजी अरे ढळून इमान लागू नये डाग दिल्या सबुदाला जहागजी या सळसळत्या वादळाला झळकू दे झळकू दे
चढ़ू दे, ही झिंग चढ़ू दे, ओ सूर्य नवा भाली तेज नवे झलकू दे। All human beings communicate, but do all human beings communicate effectively? Pipe phata rutal kaata disla vaat tujhe कैमरे ऑन कीजिए, कैमरे ऑन कीजिए, सभी लोग करने का प्रयास कीजिए। पाई फुफाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझे हो झोकून आशा चालत धातू गाडून टाक भीती मागू नको आधार शोध जग सार अपसुक सामील होती र दिशा सपान सकळ ल पापनीच्या खाचरीत चढू दे त्याची र नशा खिंडार पडू दे तार सरू दे उजेड पडू दे तुझा नशीब चावर काढित मागर हिरल बगल तुझा होईल दिवस तुझा उद्याचा होईल दिवस तुझा उजळायचे पुन्हा तुझ हो रे विधाता
सम समता ध्रुव तारा तो क्षितिजावरी लख लख की बिजली तुझा तेरी मंत्र आहे हासे कला थांबला जो इथे संपला रख रख त्यारा ना तून थोड़ पुढ़ जाऊ गड़ा पाउल थकल गड़ा पाउल थकल सुखले भकरील पन संग खाऊ गड़ा पाउल थकल बसला घाव उरी कलेची आग सार जाळून बी जाईना अडला घास असा कळावन वास असा पण यो ध्यास अजून बी माग राहीना फिरला त्यो वासा घर फिरल नाही गड्या पाऊल थकल नाई गड़ा पाउल थकल नाई रख रख त्यारा ना तून थोड़ पुढ़ जाऊ गड़ा पाउल थकल नाई गड़ा पाउल थकल Thank you.
माती आली तरी पडले सपान डोळ्यामंदी पाणी तरी गळ्यामंदी गाण याचा हात पाठीवर सोनियाची खान शर्मेन नाही कधी झुकली मान हात पसरून गाड्या सुख येत नाही र डोळ झाक करून मी दुःख जात नाही र नशिबाच भोग कुणा चुकलं नाही गड्या पाऊलं थकलं नाही गड्या पाऊलं थकलं नाही रख रख त्या राना तू थोड पुढे जाऊ गड्या पाऊलं थकलं नाही गड्या पाऊलं थकलं बसला गाव उरी कलेची आग सार जाळून मी जाईना अडला गावन वास असा वास अजून ऑलरेडी स्वास्थ्य सप्ताहामध्ये चालू आहे तरी सुद्धा आपला नंबर कमी त्याप्रमाणे आपला नंबर नाही तसं वाढायला पाहिजे येस मॅडम खूप छान घेतला मॅडम आणि मॅडम रॅपिंग करूया तुला आतापर्यंत भरपूर सांभाळलं इथून मोर चांगल्या नोकरी बघायची नाही नोकरी तुला हे केली तर माझ्यासोबत काम करायचं मला फक्त एक वर्षाची मुदत द्या एका वर्षात जर नाही झालं तर मी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करायला तयार आहे तरी बी तुला घरचं काम करावं थकलाय बाप माझ थकली माया देवा तुझ्या आधी त्याच पूजतो मी पाय थकलाय बाप माझ थकली माया देवा तुझ्या आधी त्याच पूजतो मी पाय दिला सबूत मी पुरा करणार खामागणी धाव असा घेणार मी नाही मला जगायला फार जिंदगीची मजा केली म्याच महिंद्रार भरती निघाली भरती ए अरे काय दाखव बोलले होते तुला नाही जमणार भावा आता खूप जवळ आलोय आता ते सत्यात उतरवणार हे चित माझी आकाशाला भिडू दे पूरे हाथ में पर करेंगे सास को
पाण्याचा यो झरा आता थांबणार नाय खाकी अंगावर म्या बी लेणारच हाय पाण्याचा यो झरा आता थांबणार नाय खाकी अंगावर म्या बी लेणारच हाय बस कर आता माझ हाल रे स्वसवन आता पुर झाल रे देवा पांडुरंगा तुझ तारणार ना वाट काढ्या कुठ्या तून धावणार ना जिद्द मनाची ताकद पायाची खेळ मस्तीचा नाद भरतीचा ये जिथं माझी आकाशाला भिडू दे र द्यावा पोलिसाचं वन आज गळू दे र जिथं माझी आकाशाला भिडू दे र द्यावा पोलिसाचं जिन आज गळू दे र डोक्यावर वज सपनाच र मिरवू कस हे कळ हे जिथ माझी आकाशाला भिडू दे र देवा पोलिसाचं जिन आज कळू दे र जिथ माझी आकाशाला भिडू दे र देवा पोलिसाचं जिन आज कळू दे र पोलिसाचं जिन आज कळू दे र पोलिसाचं जिन त्याला जे करायचं होतं ते त्यांनी केलं आणि आईबापाच्या अंगावरच वजच कमी केलं थोडासा होल्ड करेंगे क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग यस म्यूजिक चेंज कर देता हूँ बीच में थोड़ा सा हम लोग जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ले रहे हैं आज कोशिश करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट होने की क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी यस मैं थोड़ा सा साउंड कम रखता हूँ ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे नेक्स्ट दूसरा पैर पीछे
अभी हम लोग जो है आगे की तरफ जाएंगे तो फ्राई करेंगे। अभी हम लोग कैसे कोशिश करें तो मेरे चाय के नीचे से वहां से पकड़ के रखो करके रखिए दीवार के पास खड़े होकर कुछ भी करें तो थोड़ा सा इसको उसमें पिचिंग आने से रुक करेंगे मसल से खिंचा हुआ आने बस ऊपर खींचे और होल्ड करें आप लोग नहीं थे दीवार के साथ सपोर्ट दें चैलेंज से भी जुड़े हैं तो जीने में कुछ सकते हैं ऐसे कुछ भी तो धीरे 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 होगा आपको कैसे करने से होगा ये पता है कुछ नहीं करेंगे कि ये भी कुछ नहीं हमारे लिए जरूरी है चेकिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अभी जो है पैर तो नीचे की तरफ तो घूमना है ये Thank you.
पूरा
ना हो कमर को नहीं उठाना है, कमर से ऊपर वाला हिस्सा को उठाना है, बाकी हिस्सा आपका जमीन के साथ सटा हुआ लास्ट टाइम कम से कम 20 सेकंड ऊपर उठना है। कोशिश करेंगे जितने हो रहा है ज्यादा जबरदस्ती नहीं करें, नाभि के ऊपर में माउंट होंगे, पैरों को उठाना उठाना है ऊपर खींचना है अंदर, और साथ में जो है हमारे चेस्ट को ऊपर उठाना है धनुष से बाहर की तरफ धनुरासन। कर सकते हैं तो
की जो है पैरों को छोड़ करें और कमर को थोड़ा सा झुकें और पीठ की मालिश करें। एक्सरसाइज लेने की कोशिश किया, स्ट्रेचिंग जो है जरूरी होती है बीच बीच में हमारी स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमने आज जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के ऊपर में छोड़ दिया था। एक बार लास्ट हम लोग जो है ओम का उच्चार करेंगे सभी मिलकर के, पैरों को चाहे तो आप
पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे पद्मासन या हाफ पद्मासन में, जैसे भी आपको पॉसिबल लगे वैसे बैठे। उसके बाद में जो है दोनों हथेलियों का अंगूठा इस प्रकार से बंद करें, हाथों को बंद करें, लोगों का उच्चार कर लिए। दोनों हथेलियों को जो है आपस में रब करें, अपने चेहरे के ऊपर से घुमाएं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग 8 बजे के सेशन में। एक्चुअली जो है हमारा भी स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है, और जिसके कारण सभी ने जो है कम से कम हमारे साथ में एक फैमिली को लेके आना है, तो ये मिशन हमने रखना ही रखना है। और हमारे जो बीटीसी के पार्टिसिपेट है जो आज वर्कआउट में नहीं है, उनको भी इन्वाइट करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटो वही है कि अगर बीटीसी में आए हैं तो उनको प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट कब आएगा? जब हम प्रॉपर हर इवेंट में, हर ट्रेनिंग में, हर एक्सरसाइज में रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उस प्रकार से रिलैक्स फील करेगी, उनके हार्मोन्स बैलेंस होने में मदद होगा, और साथ ही साथ में पसीना अगर निकलेगा तो फिर उस प्रकार से थोड़ा सा और ज़्यादा उनको रिलैक्स फील होगा। अगर नहीं भी निकल रहा तो ज़्यादा मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 जब आपके स्वेट ग्लैंड्स खुल जाएंगे तो निकलने लग जाएगा। शुरुआती तौर पर जो है बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है जिसके कारण से पसीना नहीं आता है, तो पसीना आना चाहिए तो धीरे धीरे होगा। और कई लोगों को नेचुरली होता है कि नहीं आता है, पर पानी की मात्रा बढ़ाए, पीने के अंदर में पानी की मात्रा बढ़ाए, गर्म पानी की मात्रा बढ़ाए, तो धीरे 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 जो है इम्प्लीमेंट होगा। यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 8 बजे के सेशन में, और सभी लोग वहां पर आए जरूर। यस, थैंक यू।